सबसे बड़ी खबर इस वक्त के सामने आ रही है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ वैशाली वर्मा और आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। सिद्धरखा में अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए की नकदी व जेवरात पर हाथ साफ कर दिए। कैसरगंज थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद। कैसरगंज बहराइच में कैसरगंज थाना के अंतर्गत ग्राम सिद्धरखा में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक घर में घुसकर लाखों रुपए की नकदी व जेवर व सामान चोरी कर लिया। घटना की सूचना स्थानीय थाने पर दी गई है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विपिन कुमार सिंह निवासी ग्राम सिद्धरखा अपने घर में परिजनों के साथ सो रहे थे कि कुछ अज्ञात चोर पीछे की दीवार फांद कर घर में घुस गए तथा कमरों व अलमारियों के ताले तोड़कर 2 लाख रुपए नकद, गले का हार, एक सोने की चैन, सोने की चूड़ियां, कान की बाली व चांदी की 2 पायल सहित अन्य कीमती सामान चोरी करके ले गए। परिजन जब सुबह उठे तो उन्हें घटना की जानकारी हुई। विपिन कुमार सिंह ने तत्काल इस घटना की सूचना स्थानीय थाने में दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घटना की गहनता से जांच की तथा परिजनों से घटना के बारे में पूछताछ भी की। प्रभारी निरीक्षक श्रीधर पाठक ने बताया कि तहरीर मिली है, शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं देवेश कुमार सिंह हूँ, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि सिद्धरखा का जी। और हमारे बड़े बाबूजी हैं रामदेव सिंह जी जी, पुत्र बलवंत सिंह। तो आज जो ये घटना हुई है आपके घर में चोरी वाली, क्या घटना है, कुछ जानकारी आप बताइए विस्तार से। हाँ, करीब 2:30-3 बजे की ये घटना है। आज रात की? हाँ, आज रात की जी। और हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे थे, रात तक लेट नाइट स्टडी कर रहे थे जी जी। तो 2:30 बजे वो बच्चे पढ़ के सोए और वो बच्चे बता रहे हैं कि हम 2:30 बजे जगे हैं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो फिर 3 बजे के करीब ये घटना 3:30 बजे की है। कुछ लोग वहाँ पीछे से खेत की तरफ से आए हैं और घर के पीछे से 8-10 फुट की दीवार है उसके ऊपर चढ़कर वो अंदर गए हैं। ऊपर हमारे एक भाई हैं विपुल कुमार सिंह, वो बहराइच में निवास करते हैं फिलहाल। तो उनके कमरे में उन्होंने उनका ताला तोड़ के उनकी अलमारी तोड़ी है जी। तो करीब उनके यहाँ जेवर अच्छी खासी मात्रा में थे, 4-5 लाख रुपए के, उसको उन्होंने लिया है जी। और बाकी जितने लिविंग पर्सन थे घर में, उनके कमरों में उन्होंने कपड़े से गांठ मार दी कुंडली में जी। उसके बाद वो आए हैं नीचे हमारे बाबूजी के मास्टर साहब के कमरे में, उसके उनका उन्होंने बक्सा तोड़ा है, उसमें करीब 1.5 लाख रुपये नकद थे उसको निकाला है। और एक बक्सा जो नहीं तोड़ पा रहे थे उसको उठा ले गए, खेत में बाहर तोड़ा है, हालांकि उसमें कुछ निकाला नहीं। ये घटना रात में हुई है। तो इसके हम लोग जगे तो हम लोग को ये पता जो सुबह आप लोगों को ये जानकारी हुई है, तो इसके संबंध में संबंधित थाने पे आपने शिकायत? संबंधित थाने में जो है माननीय थानाध्यक्ष जी को सूचना दी गई थी, उन्होंने कार्रवाई की, हम लोगों ने तहरीर दे दी है। तहरीर आप आपने दिया है? नहीं, बाबू जी के नाम से जी 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 जी। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी त्वरित कार्रवाई करते हैं, जाँच चल रही है।